अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए हफ्ते के साथ, नए रेसिपीज़ के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज चिकन। ठीक है, ऑरेंज इस सीज़न में है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और लाल मसूर की दाल और पालक के साथ हम बना रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार सा स्पिनच सूप। उसके साथ हम क्रोटॉन सर्व करेंगे जो के होंगे पनीर के। ठीक है, सो मैंने एक पनीर का ब्लॉक ले लिया था, उसको बीच में से काट लिया था। और कुकी कटर के साथ, यहाँ दिखा दीजिएगा, कुकी कटर के साथ मैंने उसके छोटे छोटे फ्लावर के शेप्स बना दिए हैं। ये इसलिए पहले रेडी कर दिया है बिकॉज ये अवन में जाएगा। अवन में नहीं डालना है तो फिर आप इसको हल्का सा शाताज कुकिंग ऑयल में चूल्हे पर ही तल लीजिएगा, लेकिन मैं इसको सब कुछ मिक्स करके अवन में डाल दूँगी। ठीक है जी। और हम आज डिल, यानी कि ये सोया की भाजी है, इसको डिल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और पालक है, पालक के छोटे से टेंडर से पत्ते ले लीजिएगा और चॉप कर दीजिएगा, उसकी डंडियाँ अच्छी तरह धो के साफ करके रखिएगा। फिर ये है मेथी, फेन्यूग्रीक लीव्स। ठीक है, ये आपको मिलते हैं छोटे भी और बड़े भी। ये मैंने बड़ी वाली मेथी ली हुई है, पानी में अच्छी तरह धोइएगा, भिगोइएगा, बिकॉज बहुत सारी मिट्टी होती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, फिर ऊपर से उठा लीजिएगा इन पत्तों को। और हम आज सूप बनाना सिखाएंगे। सूप बहुत ही अच्छा है फॉर दिस वेदर एंड सो हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। इसमें दाल भी है, सब्जियां भी हैं, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सबसे पहले यहाँ मैंने क्या कर दिया था, एक पैन में पानी गर्म कर दिया था बिकॉज मुझे सूप का और स्टॉक रेडी करना है। सो वेजिटेबल का अगर मिले तो वेजिटेबल का, वरना आप चिकन का डाल दीजिएगा। सो दिस इज डन, इसको एक तरफ रख लेते हैं। फिर यहाँ हम शाताज कुकिंग ऑयल लेते हैं और इसमें ये थोड़ा सा डाल देते हैं। फिर हम इसमें इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, कड़ी पत्ता डलाएगा इसमें, हल्दी है, नमक है, प्याज है और अदरक है। इसके अलावा इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे और राई। ओके, नाउ फॉर द क्रोटॉन्स। आपने देखा फ्लैट, इस तरह का फ्लैट होना चाहिए पनीर और पानी निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लैट नहीं होगा, पानी वाला होगा, तो आप इसको पका नहीं सकेंगे। अब इस तरह मैंने कुकी कटर के साथ इसके फ्लावर्स बना दिए हैं, अच्छा लगेगा बस सूप के ऊपर, दैट्स इट। और कोई खास रीज़न नहीं है, इसको खा जाइएगा सैंडविच में डाल के, वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास है चाट मसाला और गरम मसाला, मिक्स करना है हमने। मगर पहले मैं यहाँ, शाताज कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, उसमें मैं राई दाना डाल देती हूँ और अदरक। और प्याज डाल के हम इसको छोड़ देते हैं ताकि ये प्याज तब तक सॉफ्ट हो जाए। हमें गोल्डन करना है, हमें इसको कोई ज़्यादा ब्राउन वाउन नहीं करना है। ठीक है, सो ये हमने एक चीज़ कर ली। नाउ आई वॉज डूइंग दैट, यहाँ मैं ले लेती हूँ इसको ताकि आप लोगों को भी नज़र आए। शाताज कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हम ड्रिजल करते हैं। सो चाट मसाला एंड गरम मसाला आई वॉज मिक्सिंग। ये चाट मसाला लीजिए, गरम मसाला, काली मिर्चें कुटी हुई और बहुत थोड़ा सा नमक बिकॉज पनीर ऑलरेडी नमकीन है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने करना है मिक्स। और फिर हम यहाँ शाताज कुकिंग ऑयल के साथ हमने इस डिश को ग्रीस कर लिया है, आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। ये पनीर के जो फ्लावर्स मैंने बनाए हैं उसमें आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करिएगा और यहाँ रख दीजिएगा। अब ये बेक हो जाएंगे, क्रिस्पी से हो जाएंगे, तो इसके ऊपर हम डालेंगे डबल रोटी के क्रोटॉन्स की जगह पनीर के क्रोटॉन्स। क्या अच्छा ज़बरदस्त सा आइडिया है ना। चलिए इसको हम अवन में रख देते हैं, देख लिया आपने। थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, निकाल देंगे। अच्छा जी, मीनवाइल, ओह माय गॉड, राई दाना, प्याज, अदरक, इसमें हम हरी मिर्चें शामिल करते हैं, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा नमक,
याद रहे कि स्टॉक क्यूब डालेंगे, वो काफ़ी नमकीन होता है, हल्दी और दाल। लाल मसूर की एक कप दाल है, भिगो के रख दीजिएगा, ठीक है, ये आप इसमें डाल दीजिएगा। फिर आप इसमें ये स्टॉक डाल दीजिएगा और इस दाल को पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये दाल पक जाएगी तब हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। सो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया बिकॉज आई वॉन्टेड दिस टू बी कुक्ड। सबसे पहले शाताश कुकिंग ऑयल को गर्म कर लीजिएगा, उसमें आप राई दाना डालिएगा, हरी मिर्चें, अदरक और प्याज, उसको सॉटे कर दीजिएगा। फिर उसमें आप हल्दी और नमक डालिएगा, कड़ी पत्ते डालिएगा, प्याज हो जाए थोड़ा सा फिर, ठीक है। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी जो मैंने स्टॉक क्यूब का मिक्स करके डाला था, सो सूप इसका डालिएगा और लाल वाली दाल डाल दीजिएगा, लाल मसूर की। जब ये हो जाए उसके बाद हम इसमें सोया डालेंगे, हरा धनिया है, बड़ी वाली मेथी है और पालक है, ये सारी ग्रीन चीज़ें तब जाएंगी, ठीक है, पानी निकाल के। और चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, नमक और काली मिर्चें मैंने पनीर के क्यूब्स के साथ, इस तरह अगर नई शेप में काटना है तो कोई बात नहीं, क्यूब्स काट लीजिएगा पनीर के, ठीक है, सिंपल एज दैट। डबल रोटी के क्रोटॉन्स की जगह पनीर गोज़ वेरी वेल विथ पालक, हम पालक पनीर खाते हैं ना, तो पनीर के हम क्रोटॉन्स आज बना देंगे। वो मैंने अवन में रख दिए हैं, अवन में नहीं रखना है तो चूल्हे पे फ्राई कर दीजिएगा हल्के से, थोड़े से तेल में, शैलो फ्राई करिएगा शाताज कुकिंग ऑयल में, ठीक है। चलिए जी, ऐसे करते हैं कि हम, कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, और मैं आपकी सारी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। जी जी, आपने जो ट्रफल बनाना सिखाया था वो भी ट्राई किया था। अच्छा, कैनिमल वाला, ओके, थैंक यू सो मच। और मैंने आपको गिफ्ट भी दिया था, मैं फामदा फूडी थे, कहाँ से? मेरा ना पेज है फामदा फूडी, वो मैंने आपको पेरी पेरी बाइट्स दी थी। अच्छा अच्छा, आप वो हैं, ओहो, अच्छा, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। जी जी, थैंक यू थैंक यू, ओके, अब मुझे याद आया, थैंक यू सो मच, आई विल कांटेक्ट यू, हैव गॉट योर नंबर। मेरा पेज है फामदा फूडी। हां हां हां, मुझे पता है, मुझे याद है। जी जी, डोंट वरी, आई विल कांटेक्ट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, ये चिकन स्टॉक क्यूब हम डाल रहे हैं और भी पानी में, क्योंकि हमें ऑरेंज चिकन के लिए भी स्टॉक बनाना है, ठीक है। सो जब तक यहाँ दाल पक रही है, विच आई एम गोइंग टू स्पीड अप, ये रख के ऊपर, हमारे नए पिंक बर्तन आए हैं, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस हियर, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम ग्रीन चीज़ें डालेंगे वंस द दाल इज़ डन। पूरा रिकैप भी करूँगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, हमें कॉल करिए, हमसे बात करिए, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। देखें, जब दाल हाफ डन हो जाए तब आप इसमें ये सारी ग्रीन चीज़ें डाल दीजिएगा और उसको हमने पकाना है, ठीक है। सो आई हैव टू टेक आउट द वाटर, तो ये जो बड़ी वाली मेथी है, फेन्यूग्रिक लीव्स, उसमें से आप अच्छी तरह पानी निकालिएगा, उसको धोइएगा अच्छी तरह प्लीज़। और सोया की भाजी भी है, उसको भी मैंने भिगो के रखा था, और पालक को धो के रखा था, और हरा धनिया था, सो एवरीथिंग विल गो इन, ठीक है। अभी सीज़न में हैं जो सारी चीज़ें, उन्हीं को इस्तेमाल करें, बनाएं ज़रूर रेसिपीज़ और हमें फॉलो करिए। आपको लगेगा पालक बहुत सारी है, लेकिन ये अभी अंदर जाके विल्ट हो जाएगी पूरी। अब ढक्कन ढाँक दीजिए, इसको होने दीजिए। और हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? कॉलर्स जब तक ये पक रहा है, लेट्स स्टार्ट चिकन की चीज़ें। और इन चिकन बना रहे हैं, उसकी फ्राइंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, एक अदद अंडा लिया था, उसको आधा सेपरेट कर दिया था, और ये सफ़ेदी है सिर्फ, ठीक है। सो सफ़ेदी आपने एक बोल में डाल दी, फिर आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, और आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है, मैदा जाएगा, शाताज कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून जितना, ठीक है, और थोड़ा सा पानी, सो अंडे की सफ़ेदी, मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा पानी, शाताश कुकिंग ऑयल एंड थोड़ा सा नमक, ये सब कुछ डाल के
फिर आपने क्या करना है, विस्क के साथ इसको मिक्स करिए। चिकन बोनलेस या ब्रेस्ट फिले को इस तरह क्यूब्स में काट लीजिएगा, ठीक है। ऑरेंज सॉस की जो चीज़ें हैं वो हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। बैटर स्मूथ होना चाहिए, सो थोड़ा सा पानी और मैं डालूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल दीजिएगा, वी डोंट वांट कि बहुत पतला हो जाए। चिकन को इसको कोट करना ज़रूरी है। कॉलर हैं जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह जी फरमाइए। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जरा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पैसे की बहुत अच्छी अच्छी होती है और केक तो बहुत ही मजे मजे के होते हैं, यानी यानी। थैंक यू सो मच जी, ट्राई करते रहिएगा, रेसिपीज देखिएगा, बनाइएगा। ये भी दाल भी बना रही है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, कितने सब सब्जी भी है, दाल भी है, ये बहुत प्यारी लग रही है जी, बनाइएगा जरूर, ठीक है। पालक अच्छी सी है, अभी सीजन में है तो बना लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या? ओहो लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी। ओके स्मूथ बैटर बनाइएगा, लंप फ्री। अच्छा इसको भी देखते हैं ना, ये कहीं जल ना जाए। ये देखें अभी हो रहे हैं, थोड़े से क्रिस्पी होंगे तब तक मैं करूंगी, अगर नहीं अवन में क्रिस्पी हो तो चूल्हे पे कर लीजिएगा। ये हमने कर दिया है ताकि मेरे हाथ फ्री हों, हैंड्स फ्री। अवन में काम होता है ना तब मेरे हैंड्स फ्री हो जाते हैं, तो मैं दूसरा काम कर सकती हूँ ना। अच्छा जी, कॉलर हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मुझे ना आपसे वो पूछना था, बालूशाही में जो है वो एल्युमिनियम जो डालते हैं वो क्या चीज होती है? बालूशाही मैंने सिखाई है ना, मेरी रेसिपी देख लीजिए, बालूशाही बाय जारनक सिद्वा। अच्छा, उसी को फॉलो करिए, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, वो एल्युमिनियम जो कहते हैं मुझे वो नहीं, मैं नहीं डालती हूँ वो। अच्छा, वो नहीं, अगर वो नहीं डाले तो बालूशाही बन जाएगी? मैंने जो बनाई है रेसिपी वो बनती है, आपने कौन सी देखी है मुझे नहीं पता। चलें ठीक है, ठीक है ना, मैं उसकी गारंटी तो नहीं दे सकती ना कि आपने नहीं, क्या देखा मसाला है? में देखी थी, मसाला में जो तड़का जो आता है ना, मैंने उसमें देखी थी। मैं अपनी रेसिपी की गारंटी दूंगी ना, दूसरों की नहीं। अच्छा चलें ठीक है, सबकी रेसिपीज अच्छी होती हैं, सब बनाते हैं, सबकी बनती हैं चीजें, लेकिन मैं नहीं कह सकती दूसरों की रेसिपी के बारे में क्योंकि मैंने उनकी रेसिपी से नहीं बनाया है, मैंने तो अपनी रेसिपी से बनाया है ना। चलिए जी, शाताश कुकिंग ऑयल, डीप फ्राई करेंगे चिकन के पीसेस को। ओके यहां रखते हैं इसको। ओके, और चिकन में आप कोई सीजनिंग डालना चाहें आप डाल सकते हैं। चावल के साथ मैं इसको सर्व करूंगी आज, ठीक है। हाँ, तिल जो है, मुझे तिल को भी करना है टोस्ट, कभी भी तिल को ऐसे कच्चा कच्चा नहीं डालते हैं, सो ऑलवेज टोस्ट योर सेसमी सीड्स, ड्राई टोस्ट कर दीजिए, तेल नहीं डालिएगा, बस टोस्ट हो जाएंगे तो निकाल दीजिए इसी में, पैन में नहीं छोड़ दीजिएगा, पैन में छोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे और मज़ीद ब्राउन होते रहेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ शामिल करना चाहते हैं, मैं इसमें लहसुन डालूंगी और थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी। दूसरी जो सारी यहाँ चीज़ें हैं वो सारी ये सॉस की हैं, ठीक है। आप चाहें तो काली मिर्चें भी डाल दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, और इसको मिक्स कर दीजिए। सो नमक है, लहसुन है और चिकन है, और यहाँ मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, पानी है, शाताज कुकिंग ऑयल है और बेकिंग पाउडर है, इसमें ये डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें सॉस की हैं, उसको हटाते हैं, पीछे करते हैं। इसको भी निकालते हैं। नाउ वी विल नीड समथिंग टू फ्राई इट, सो एक बोल ले लेते हैं। आपको पता है मैं हमेशा छन्नी में पहले चीज़ें निकालती हूँ, कभी भी ऐसे डायरेक्टली तो मैं किसी भी चीज़ में नहीं डालती हूँ। सो ये शोर कर रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, इनको निकालते हैं एक छोटे से इसमें बोल में, और यहाँ आई तो मैं ये भी देखती चलूँ, ये हो रहे हैं अच्छे से।
ब्रेक की तरफ चलना है, ओके। ओहो हो, हर जगह उड़ रहे हैं। एक मिनट ज़रा, इसको मैं इस बोल में निकाल देती हूँ ताकि ये और मज़ीद ब्राउन ना हो। शाताज कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ गर्म करने रख दिया है, जैसे ही हो जाएगा चिकन का एक एक पीस उठा के हम इस बैटर में से रख देंगे पकने के लिए, ठीक है जी, फ्राई होने के लिए। सो आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। ये मेरे पनीर के क्रोटॉन्स रेडी हो गए हैं, तो मैंने निकाल के यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। ज़रा हिलाइएगा जुलाइएगा इसको। चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, काली मिर्चें, फिर निकालते हैं। सूप को हमने ब्लेंडर में डाल के मीनवाइल ब्लेंड कर दिया था। स्टिक से नहीं अच्छी तरह ब्लेंड होता है, समहाउ आई एम द ब्लेंडर पर्सन नॉट द स्टिक पर्सन। सो ये देखें, अच्छा सा ग्रीन कलर का सूप। ज़्यादा मैंने पालक को ओवर पकाया ही नहीं है कि वो कलर ख़राब हो जाए उसका। बनाइएगा इसी तरह ज़रूर, और देखिएगा बहुत गाढ़ा हो तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। शाताज कुकिंग ऑयल में मैंने डीप फ्राई करने रख दिया है चिकन के पीसेस को, ठीक है। और चिकन में मैंने सिर्फ लहसुन और नमक लगाया था, आप कुछ और लगाना चाहें लगा सकते हैं, मैरिनेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैदा, बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लावर, नमक, पानी और थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल डाल के इस बैटर को रेडी कर दिया है। ये देखें, इसको देखें, अब इसको मैं एक दफ़ा उबाल दूंगी। इसको वहाँ ले जाते हैं। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, ठीक है? जी जी बोले। मुझे ना आपसे एक रेसिपी पूछनी थी। श्योर, कौन सी? मैं ना जब भी कबाब बनाती हूँ तो मेरे टूट जाते हैं, इसका कोई हल बता दें। अच्छा, तो कबाब में आप बाइंड करने के लिए क्या डालती हैं? आलू के, बेसन के, डबल रोटी, क्या डालती हैं? मैं मैदा डाल देती हूँ थोड़ा सा। नहीं, आलू बॉईल करके डालें या बेसन भून के डालें या डबल रोटी पानी में या दूध में भिगो के निचोड़ के डालें तो होगा ना बाइंड, कबाब क्यों टूटेंगे? फिर नहीं टूटेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, ट्राई करिएगा इस तरह, ठीक है? हाँ जी, जी। और मेरी जो रेसिपीज है एग्जैक्टली फॉलो करिएगा, फिर कुछ नहीं होगा, कोई कबाब नहीं टूटेंगे। जी जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने कलर चेंज नहीं करना है, ठीक है? ये आपने कॉर्नफ्लावर और मैदे की वजह से ये इसी तरह कलर रहेगा इसका। जैसे ही फ्राई होते जाएंगे तो हम शाताज कुकिंग ऑयल में से इसको निकालते यहाँ रखते जाएंगे इनार छन्नी, और ये जो सारी चीज़ें हैं उनको हमें सिर्फ मिक्स करना है। तो जब तक यहाँ ये हो रहा है, एक्चुअली इसमें भी मुझे ज़रा चम्मच चलाना है कि ये कहीं नीचे लग ना जाए, बिकॉज अभी देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत ग्रीन कलर हुआ है। इसको फिर हम बोल्स में निकालेंगे और फिर हम पनीर के वो क्रोटॉन्स डाल देंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ जाली रख दूँ ताकि मैं इसके ऊपर रखूँ, डायरेक्टली मार्बल पे या उस पर नहीं रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी लेके उसमें हमने स्टॉक क्यूब डाला था, याद है? उसमें हम दूसरी सारी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। सो ये है चिली सॉस या चिली गार्लिक सॉस या कोई हॉट सॉस आप डालिए इसमें। ऑरेंज जूस ले लीजिए थोड़ा सा, एक से दो ऑरेंजेस का वो डाल दीजिए, ऑरेंज का छिलका है ये, ज़रूर डालिएगा। फिर ये चीनी है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ी सी चीनी डालिएगा। सोया सॉस है, ये सोया सॉस चला गया। सिरका है, सिरका चला गया। मिक्स करिए बहुत थोड़ा सा, बराए नाम आप नमक डालिएगा। और इसको थिकन करने के लिए मेरे पास यहाँ कॉर्नफ्लावर है जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हम इसमें डाल के थिक करेंगे, लेकिन पहले हम इसको पकाएंगे ना, इसको निकाल देते हैं तब तक।
और लास्ट बैच ऑफ चिकन जो है उसको भी हम फ्राई कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने। आप नूडल्स के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ इसको सर्व आज चावल के साथ पूरा। फिर हम ये ऑरेंज सॉस में डालेंगे इस चिकन को। आप सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए रेसिपी सारी। होल वाले चम्मच से निकालिएगा ताकि तेल बहुत ज़्यादा इसमें आए ना। लास्ट बैच डाल देते हैं, चूल्हा बंद कर देती हूँ, बहुत गर्म हो गया ये। ठीक है जी, इसको उठा के या हाथ से या चम्मच से, ताकि थोड़ा सा इसमें इसका बैटर भी लेते जाइए और ये डालते जाइए। क्राउड नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, सारे के सारे चिकन पीसेस एक साथ नहीं डाल देते हैं, एक के ऊपर नहीं डालते हैं, सिंगल लेयर में फ्राई करते हैं। बहुत सारे चिकन के पीसेस डालने से तेल का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा बहुत, फिर आप उसमें तल नहीं सकोगे और फिर ज़्यादा तेल जज्ब हो जाएगा आपके चिकन में और वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। आई होप आप ये छोटी छोटी टिप्स नोट करते हैं। कोई भी रेसिपी किताब फॉलो कर सकता है, लेकिन ये जो टिप्स हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखाते हैं उनका फ़ायदा उठाइए। चलो जी, डन। और क्या ब्रेक है, ये ऑरेंज सॉस की चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ एक उबाल आए तब तक पका लेती हूँ और फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ये कॉर्नफ्लावर और पानी इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये गाढ़ा सा ऑरेंज सॉस हो जाएगा और चिकन भी हम जो फ्राई कर रहे हैं उसको भी हम निकाल के इसमें रखते जाएंगे। आप जब ब्रेक से आएंगे तो यहाँ ज़रा क्लीन अप हो चुका होगा और हम ये सब कुछ असेंबल आपको कैसे करना है वो दिखाएंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। देखें, चिकन जो मैंने फ्राई किया था उसको मैंने छन्नी में निकाला था, एक्सेस तेल निकाल दिया था, यहाँ एक पैन में रख दिया इसलिए कि हमें इसमें ऑरेंज सॉस मिक्स करना है। अभी ऑरेंज सॉस के लिए जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो मैं आपको सब कुछ बता दूं क्या क्या था। ऑरेंज जूस, ऑरेंज का छिलका, चिली गार्लिक सॉस, चिकन का स्टॉक क्यूब, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चीनी, सोया सॉस, सिरका और नमक, और ये है कॉर्नफ्लावर और पानी। तो जब ये एक उबाल इसमें आ जाए तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर पानी डाल के उसको थिक सा सॉस बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इसके ऊपर इसको कोट कर लीजिएगा। जब ये थिक हो जाए, ग्लॉसी सा हो जाए, तो आप ये पीसेस जो हैं चिकन के फ्राई किए हुए हमने उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। पालक का सूप दिखाइएगा प्लीज़, जो मैंने टेबल पे रख दिया है। जो क्रोटॉन्स हैं वो ऑब्वियसली अभी अंदर सिंक हो जाएंगे, सो जस्ट ट्राई टू कीप अ फ्यू ऑन टॉप अगर ऐसे रहें तो, अदरवाइज आप साइड में भी इसको रख के सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े से अंदर चले भी जाएं तो कोई बात नहीं, समझ आ गया आपको किस तरह सर्व करना है इसको। सो नाउ जब अच्छी तरह ये कोट हो जाए पूरा ऑरेंज चिकन, और मुझे इसमें ग्रेवी रखनी है बिकॉज मुझे सर्व करना है इसको चावल के साथ। सो इसके ऊपर आप ये टोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि हर जगह तिल भी आ जाए। अगर आपको एपेटाइज़र के तौर पे सर्व करना है ऑरेंज चिकन को तो फिर उसमें इतनी ग्रेवी नहीं रखिएगा। ये देखें, जज्ब हो जाएगी ग्रेवी इसके अंदर, बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई करिएगा अभी ऑरेंजेस सीजन में हैं तो, बिकॉज़ वो डब्बे के जूस के साथ फिर वो समर में आप बनाना ट्राई करेंगे वैसा नहीं बनता है। चावल हैं ऑरेंज के सेगमेंट्स हैं, इसके साथ हम सजा के इसको पेश कर देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई। ओके, मैं झटपट एक रिकैप कर दूँ।
बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए या चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिए, आधा किलो उसके बोन्स उसके इस तरह के बनाइएगा, क्यूब्स बहुत छोटे नहीं हों बिकॉज यू वॉन्ट टू सी द पीसेस, ठीक है। दो से तीन लहसुन के जवे डाल के मैंने और नमक डाल के उसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। फिर एक बोल में आप ले लीजिएगा फ्राइंग का जो बैटर था, अंडे की एक सफ़ेदी थी और मैंने आधा कप मैदा लिया था, एक कप जितना आप उसमें कॉर्नफ्लावर डालिएगा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर था, एक से दो चम्मच मैंने पहले पानी डाल के मिक्स किया, फिर देखा थोड़ा सा और डाला, एक टेबलस्पून मैंने शाताज कुकिंग ऑयल डाला था, थोड़ा सा नमक, मिक्स करके रख दीजिएगा। चिकन को उसमें डालिएगा, शाताज कुकिंग ऑयल डीप फ्राई के लिए रेडी कर दीजिएगा। जब वो हो जाए गरम तो फिर उसमें एक एक पीस अलग अलग हाथ से या चम्मच से डाल के फ्राई करके एक छन्नी में निकाल दीजिएगा। और फिर ऑरेंज सॉस के लिए मैंने ऑरेंज जूस लिया था, ऑरेंज का छिलका लिया था, चिली गार्लिक सॉस था, सोया सॉस था, पानी था, चीनी थी, चिकन का क्यूब था, सफ़ेद सिरका था, कॉर्नफ्लावर और पानी एंड में डाला और थोड़ा सा नमक। तो ये ऑरेंज सॉस देखें कितना अच्छा शाइनी ग्लॉसी सा है और ये अंदर जज्ब हो रहा है चिकन में, ठीक है। बनाइएगा इसी तरह, ट्राई करिएगा, कोई ऑरेंज कलर डालने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँगी, आप इसमें हरा प्याज डालना चाहें, बेबी कॉर्न डालना चाहें, शिमला मिर्च दो तीन रंग की डालना चाहें, कुछ भी डालना चाहें। मैंने इसको सिर्फ प्लेन रखा है ऑरेंज चिकन को। सो इसी तरह आप बनाएं, ट्राई करें रेसिपीज़। और पालक का जो मैंने सूप बनाया है उसमें क्या चीज़ें की थी मैंने, शाताज कुकिंग ऑयल पहले गर्म करिएगा, उसमें थोड़ा सा आप राई दाना डालिएगा, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, प्याज डालिएगा, अदरक, कड़ी पत्ते और हल्दी, नमक, और उसको अच्छी तरह सॉटे करिएगा, प्याज हल्का सा सुनहरा हो जाए, हरी मिर्चें उसमें डालिएगा और मैंने लाल वाली मसूर की दाल सोख करके रखी थी, पानी निकाल के वो डाल दीजिएगा। फिर स्टॉक आपने एक वेजिटेबल या चिकन का स्टॉक क्यूब लीजिएगा, पानी में डालिएगा, उसको घोलिएगा, वो स्टॉक डाला, फिर जब दाल हो गई तब मैंने इसमें डिल यानी सोया की भाजी डाली, फेन्युग्रीक लीव्स यानी बड़ी वाली मेथी जो होती है पत्ते वो डालें, ठीक है, और मैंने पालक डाली, ठीक है, पकाइएगा, हरा धनिया भी डाला था मैंने इसमें। और अच्छी तरह जब वो पक जाए तो उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करिएगा, स्टिक ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं होगा, पालक का सूप वगैरह जब होता है तो स्टिक ब्लेंडर से नहीं करते हैं। अच्छा, पनीर के आप क्यूब्स काट लीजिएगा, उसमें आप नमक, काली मिर्चें, चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर डालिएगा और उसको अवन में रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए शाताज कुकिंग ऑयल लगा के, या फिर आप उसको फ्राई कर दीजिएगा। क्रंची क्रिस्पी हो गए, निकाले और इसके साथ आपने इसको सर्व करना है। ज़रूरी ये रेसिपीज ट्राई करिएगा। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, आप भी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बोलिए। वो आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जरूर। वो पास्ता तो बनाना सिखा दीजिए किसी दिन। क्या जी? पास्ता। कितने किस्म के पास्ता बनाना सिखा चुकी हूँ। आप ऐसे करिए, पास्ता बाय जारनक सिद्वा लिखिए, नेट है आपके पास? जी नेट है, घर में नेट है? जी है। हाँ तो बस पास्ता बाय जारनक सिद्वा लिखिए और देखिए, बहुत सारी रेसिपीज आ जाएंगी, ट्राई करिएगा, ठीक है। व्हाइट सॉस का बनाया है मैंने, रेड सॉस का बनाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं पास्ता आपके लिए। एक बार फिर पास्ता किसी दिन बनाएंगे हम। चलिए, मैंने रिकैप भी कर दिया है, अब मुझे ज़रा क्लीन अप करना है और मुझे प्लेटर पे चावल निकालने हैं, उसके बीच में हम ये चिकन निकाल देंगे, दैट्स अबाउट इट। और मैं ऑरेंज के सेगमेंट्स के साथ इसको सजा के पेश करूँगी। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज, ओनली ऑन मसाला टीवी। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, मैंने स्पिनच सूप विद कॉटेज चीज क्रोटॉन्स जो मैंने आपको कहा था कि हम क्रिस्पी से बनाएंगे पनीर के साथ, वो रेडी है, ट्राई करिएगा ज़रूर। आप चाहें तो थोड़ा सा क्रीम ड्रिजल कर दीजिएगा, ये पनीर के क्रोटॉन्स अब बिल्कुल एंड में डालिएगा, ठीक है। और चावल के साथ, आप चावल को स्टर फ्राई राइस भी कर सकते हैं, आज मैंने सिर्फ स्टीम्ड राइस के साथ किया है ऑरेंज चिकन को। बीच मेरे पास आज रिंग मोल नहीं था तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही निकालिए, बीच में एक बोल रख दीजिएगा और फिर उसको हटाइए, उसमें फिर ऑरेंज चिकन भर दीजिए। तो इसी तरह आप भी सजा के अपने प्लेटर्स को पेश कर सकते हैं अपने लंचेस पे, डिनर्स पे। आई होप आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी दोपहर में 3:30 बजे लाइव विद लवली रेसिपीज, वो देखना मत भूलिएगा। और आज का शो रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे रिपीट होता है, तो आप देख सकते हैं अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाजत, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज़।